हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजन। वेल गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑब्स्ट्रा ऑप्शन एनालिसिस इस वेबसाइट या फिर इस टूल का यूज़ करके हम किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट को समझ सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ओपन इंटरेस्ट को किस तरीके से देखते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही इसकी और क्या क्या यूज़ हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं इस वेबसाइट के, ऑब्स्ट्रा ऑप्शन एनालिसिस के, उसको भी देखेंगे। इसमें काफ़ी सारे डाटा हैं गाइज़ जो काफ़ी यूज़फुल हैं अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं गाइस, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप पोजिशनल या फिर डायरेक्शनल ट्रेडर हो गाइस। ये जो टूल है, आप बेसिक एनालिसिस की वेबसाइट पे भी काफ़ी सारे डाटा हैं जिसका यूज़ भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो ये वेबसाइट है या फिर ये जो टूल है गाइस, ये उन डाटा को, जो डाटाज एनालिसिस अपनी साइट्स प्रोवाइड करता है, उन डाटाज़ को बड़े सिंपलफाइड तरीके से प्रेजेंट करता है ये अपनी वेबसाइट पे, जिसको देख के कोई भी एक जो नया बंदा है वो आराम से समझ सकता है। और ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आप ओपन इंटरेस्ट को देख के किस तरीके से आप मार्केट के डायरेक्शन को समझ सकते हैं, और इसके साथ ही ये भी देखेंगे कि इसमें ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं अगर हम एक ट्रेडर हैं गाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें किस तरीके से इस वेबसाइट को लॉगिन करते हैं, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये बताया कि किस तरीके से आप इसको पेपर ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और खासियत है गाइस इसमें, इस वेबसाइट की, कि आप इसमें पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस आपको सिंपल दिख सकता है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं गाइस, तो ये वेबसाइट काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप पेपर ट्रेडिंग करके ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं बड़े आराम से गाइस। क्योंकि कई बार होता है कि हम रियल मनी के साथ जब मार्केट में आते हैं तो थोड़ी सी हमें डर लगता है, जब हम नए होते हैं, कि हमारा जो लॉस है वो लॉस ना हो जाए, हमारे कैपिटल कहीं वाइप आउट ना हो जाए। तो आप इस वेबसाइट का यूज़ करके पहले आप सीखिए किस तरीके से आप प्राइस एक्शन को सीखते हैं, चाहे आप प्राइस एक्शन का यूज़ करते हो, चाहे आप किसी इंडिकेटर का यूज़ करते हो, उस चीज़ को आप इस वेबसाइट पर बैक टेस्ट कीजिए, चार्ट्स को देखिए, उसके बेसिस पे इस पर ट्रेड लीजिए, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को लिखिए, और धीरे धीरे जब आप इस पर कॉन्फिडेंस आपका आ जाए, तब आप रियल ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डाल के फिर उससे रियल आप ट्रेडिंग करिए गाइस। तो ये भी एक इसकी खासियत है कि आप इसमें पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं और क्या कैसे किस तरीके से हम इसमें ओपन इंटरेस्ट को देख सकते हैं और किस तरीके से डायरेक्शन पता करने की कोशिश कर सकते हैं मार्केट का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है ऊपर, अगर आप देखें ओपन इंटरेस्ट गाइस, इसमें सिंपल आपको क्लिक करना है, ये ओपन इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पे आपको जिस चीज़ का भी देखना है डायरेक्शन, जैसे सपोज़ मैं बैंक निफ्टी का चेक करना, तो मैं बैंक निफ्टी मैंने क्लिक किया। यहाँ आपको एक्सपायरी डालनी है, सपोज़ अभी वीकली एक्सपायरी हमारी 16 दिसंबर की है, तो 16 दिसंबर की हमारी वीकली एक्सपायरी होगी। ये दो चीज़ डालने पर आपको डाटा जो आएगा, आप देखेंगे ये नीचे कुछ बार्स लगे हुए हैं। अभी क्या क्या है मैं आपको समझाता हूँ गाइस। सबसे पहले जो ऊपर वाली दिख रही हैं आपको, रेड एंड ग्रीन जो ये लाइनें दिख रही हैं बड़ी बड़ी, बेसिकली जो रेड लाइन्स हैं ये पुट राइटर्स हैं, यानी पुट की राइटिंग हो रखी है, यानी वे पुट राइटर्स हैं जिन्होंने पुट को शॉर्ट कर रखा है, यानी जिनका व्यू ये है कि मार्केट जो है बुलिश हो सकते हैं या बुलिश हो सकती है। उसके बाद अगर ये जो हम ग्रीन लाइनें देखें या फिर ये बार्स देखें ग्रीन, ये बेसिकली कॉल राइटर्स हैं जो ये सोच के पोजीशन बनाए हैं या फिर कॉल राइटिंग की है कि मार्केट जो है इन लेवल्स पे रिटर्न आएगी या फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं इन लेवल्स पे। अब इन लेवल्स को कैसे चेक कर सकते हैं, अगर आप इस पर कर्सर ले जाएंगे तो डेफिनेटली आपको एक दिखेगा कि 38,000 का लेवल है बैंक निफ्टी का, जिस पे अगर इसकी लंबाई देखेगा इस काफ़ी हाईएस्ट है, तो नो डाउट 38,000 का जो लेवल है एक ह्यूज रेजिस्टेंस है गाइस। करंटली जो मार्केट है, अगर आप ये वाली लाइन देखें जो सीधी लाइन आ रही है, ये वाली करंटली मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब उसके बाद ये जो हमारा लेवल है, जो बार दिख रहा है, इस पर रेड एंड ग्रीन दोनों है, इसका मतलब यहाँ पे पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग, क्योंकि अगर आप आज देखें बैंक निफ्टी का, लगभग सुबह से बैंक निफ्टी जो था एक सुस्त था, ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों हो रखी थी, और मार्केट को जो कॉल राइटर्स हैं वो मार्केट को, ऑप्शन राइटर जो हैं वो मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में जाने नहीं दे रहे थे। 37,000 के ऊपर मार्केट बुलिश है, 37,000 के नीचे मार्केट जो होगी बेयरिश होगी। इसके बाद अगर हम देखें, अगर हमें रेजिस्टेंस देखना हो कि बैंक निफ्टी में नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ हो सकता है, तो पहला ये आपका दिख रहा है 37,000 के आसपास है। उसके बाद नेक्स्ट जो अगर देखें सबसे बड़ी, बाकी सारे छोटे छोटे हैं, नेक्स्ट जो अगर आप देखें तो 37,500 के आसपास है, ये वाली जो लाइन है काफ़ी बड़ी है। उसके बाद डेफिनेटली 38,000 एक ह्यूज रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से अगर आपको सपोर्ट देखना है कि नीचे सपोर्ट कहाँ हो सकता है, तो पीछे के ये जो रेड लाइन से आप इसको देखेंगे,
अभी ये मार्केट जो है ये 37,000 के, इस पर कॉल राइटर्स भी हैं गाइस और पुट राइटर्स भी हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ डायरेक्शन करेगी, मूव करेगी, तो फिर ये जो 37,000 का जो रेड है इस पर से ग्रीन लाइन हट जाएगी, यानी जो कॉल राइटिंग की होंगी जिन्होंने वो अपनी पोजीशन बुक कर लेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ पुट राइटर्स रह जाएंगे और ये फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगेगा। इसके बाद अगर हम देखें सपोर्ट तो फिर 36,800 अगर आप देखें ये वाली, उसके बाद अगर आप देखें तो 36,500 और फिर ये हमारा 36,000 का लेवल जहाँ पर हाईएस्ट ऑफ ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, यानी पुट साइड में, यानी पुट राइटिंग हुई, यानी पुट को सेल किया गया है। पुट तभी हम सेल करते हैं जब हमारा व्यू होता है मार्केट ऊपर जाएगी, कॉल तभी हम सेल करते हैं जब हमारा व्यू होता है कि मार्केट नीचे जाएगी या फिर उस लेवल तक नहीं जा सकती। सपोज़ मेरा व्यू है कि मार्केट जो है 38,000 तक नहीं जाएगी, तो मैं क्या करूँगा कि कॉल 38,000 का जो कॉल है उसको शॉर्ट कर दूँगा, यानी उसको सेल कर दूँगा। अब मार्केट अगर उस लेवल तक नहीं पहुँचती तो जो प्रीमियम होगा वो धीरे धीरे डिके होकर वो मेरा प्रॉफिट बन जाएगा गाइस। इसके बाद अगर आप देखें नीचे की तरफ, ऊपर तो हमने देख लिया है किस तरीके से लेवल्स को देख के आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नीचे जो आपको दिख रहे हैं ये ग्राफ जो दिख रहा है नीचे की तरफ, ये बेसिकली चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज हुआ है। ऊपर की तरफ जो लाइनें होंगी ये नीचे की तरफ भी लाइनें आती हैं जो अभी नहीं है, ऊपर की तरफ लाइनें हैं कि आज कितने इसमें कॉल राइटिंग और जुड़ी है, और ग्रीन मतलब कि और कितने कॉल राइटिंग जुड़ी है, और लाल मतलब कि कितने पुट राइटिंग और जुड़े हैं, यानी पुट साइड में जो है पोजीशन क्रिएट हुई है। तो ये बेसिकली हर दिन का नया नया जो डाटा चेंज होता है ओपन इंटरेस्ट में वो दिखाता है गाइस। अब अगर आप देखें इसमें एक का दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा है 37,000 का ये है, इस पर लिखा है कि कॉल ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट समथिंग 1,61,00,000 के आसपास ऐसी कुछ है, पुट ऑप्शन जो उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप देखें बार को भी देख के बता सकते हैं कि पुट की जो राइटिंग है वो कॉल से थोड़ी ज़्यादा है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इस पर रखेंगे तो आपको PCR दिखेगा, यानी पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो गाइस बेसिकली होता है ये होता है, अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ भी आपको दिख रहा है पुट कॉल रेशियो PCR। इससे हम यह देखते हैं कि मार्केट अगर एक के आसपास होगा पुट कॉल रेशियो, यानी PCR अगर एक के आसपास होगा तो मार्केट जो होती है पॉजिटिव होती है, या फिर उसके ऊपर भी होगा तो मार्केट पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर 0.8 या 0.7 अगर इसके नीचे चला जाता है तो मार्केट जो होती है वो बियर्स के कंट्रोल में आती है, यानी मार्केट जो होती है वो सेलिंग साइड होती है। हम इससे ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं PCR से, यानी पुट कॉल रेशियो से। ओके, तो एक तो ये हमारा काम हो गया ऑप्शन एनालिसिस से, ठीक है गाइज। आप इसको देख के आराम से मार्केट डायरेक्शन पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें बैंक निफ्टी का, तो 37,000 के आसपास लेवल था जहाँ से ह्यूज सपोर्ट भी था और रेजिस्टेंस भी था। मार्केट ने क्या किया, अगर आप देखें मॉर्निंग से ही मार्केट बहुत सुस्त थी, फाइनली अगर आप ये देखें बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कहने का इस ग्राफ को ऊपर के लेवल पर अगर आप देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे देखें तो इसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेती है, और फाइनली अभी देखें तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है कहीं ना कहीं मिडल पॉइंट है गाइस, ऊपर के हाई और नीचे के लो का ये मिड पॉइंट है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब मार्केट देखिए लगभग इसी के आसपास ट्रेड कर रही है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है मार्केट तो फिर मार्केट अपने अपर लेवल को टच करने की कोशिश करेगी, लेकिन वापस अगर इसके नीचे निकलती है तो फिर अपने लोअर लेवल को टच करने की ये कोशिश करेगी। तो एक तो हमने देखा ओपन इंटरेस्ट, अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप यहाँ से जो हमारे FII और DII हैं उनका डाटा भी आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से वो सेलिंग या फिर बाइंग कर रहे हैं मार्केट में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डाटा होता है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पे FII DII का नेट लिखा हुआ है, यानी अगर कल का देखें, कल का 9 दिसंबर का डाटा जिसमें 802 करोड़ नेट सेल हुआ है, इसका मतलब है अगर हम इस पर क्लिक करेंगे FII की बाय या सेल, तो डेफिनेटली जो FII तो कई दिनों से सेलिंग ही कर रहे हैं, तो कल उन्होंने लगभग 1585 करोड़ की सेल की, उससे पहले उन्होंने कम किया था 580 करोड़ के आसपास, और कल उन्होंने किया 1586 करोड़ के आसपास। उसी के हिसाब से अगर हम DII इस पर क्लिक करेंगे तो कल उन्होंने DII ने काफ़ी कम बाइंग की है, परसों उन्होंने ज़्यादा बाइंग की थी, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट दिखाता है। और ओवरऑल जो आपको चेक करना हो वो इनसे चेक करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि जो नेट सेल हुई थी कल मार्केट में, कल सेल हुई थी उससे एक दिन पहले बाइंग थी 1156 करोड़ की, उससे पहले थोड़ी सी 20 करोड़ के आसपास की बाइंग थी नेट में। तो इससे आप ये चेक कर सकते हैं FII कैश मार्केट में जो पोजिशन है किस तरीके से बन रही हैं। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट का हो गया, हमने बता दिया। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ था इसमें हम स्ट्रैटेजी बिल्डर, आप ऊपर अगर क्लिक करेंगे ऑप्शन में तो इसमें एक ऑप्शन आएगा स्ट्रैटेजी बिल्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है और इस पर आप किस तरीके से पोजीशन ले सकते हैं, यानी पेपर ट्रेडिंग के लिए, वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए बारे में मैंने पिछली वीडियो में पूरा डिटेल दिया है, तो आप उसे जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फ्यूचर पर क्लिक करेंगे
तो जो सबसे ऊपर आ रहा है फीचर डैशबोर्ड, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है आपको सामने ही। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है टॉप प्राइस गेनर्स। टॉप प्राइस गेनर्स मतलब आज के दिन कौन से ऐसे स्टॉक थे जो सबसे ज़्यादा ऊपर गए हैं। काफ़ी सारे स्टॉक आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, जिससे आप कल के लिए भी इन स्टॉक में प्लानिंग कर सकते हैं बाइंग की। इसी तरीके से टॉप प्राइस लूज़र, जो जिन स्टॉक में आज टॉप की सेलिंग देखने को मिली है, उन स्टॉक्स की डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है। इस तरीके से ओआई गेनर्स मतलब ओपन इंटरेस्ट किस में बढ़े हैं और ओपन इंटरेस्ट किस में कम हुए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, जब किसी भी स्टॉक का प्राइस भी अप होता है यानी बढ़ता है और उसका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है, इसका मतलब कि उसमें बाइंग आ रही है यानी पोजीशन बिल्ड हो रही है, नई पोजीशन बिल्ड हो रही है। जब किसी स्टॉक का जो है प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन उसमें ओपन इंटरेस्ट कम है यानी नेगेटिव साइड है, इसका मतलब कि उसमें जो है किसी ने शॉर्ट पहले कर रखा था, वो फिर वो शॉर्ट कवरिंग कर रहा है। ठीक है गाइस, इसी तरीके से अगर किसी का प्राइस गिर रहा है और उसके साथ ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है, इसका मतलब कि उसमें जो है शॉर्टिंग की जा रही है यानी सेलिंग की जा रही है गाइस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके जो मैं अपनी आने वाली वीडियो में डेफिनेटली इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में आपको बताऊँगा गाइस। इसके बाद अगर आप देखें तो टॉप लॉन्ग बिल्डअप किस में हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखें तो प्राइस चेंज दिखा रहे हैं यहाँ पर और ओआई चेंज यानी ओपन इंटरेस्ट चेंज अगर देखें तो दोनों बड़ा है, यानी कि ये जो सीमेंस का स्टॉक है वो एक अच्छी बाइंग के साथ इसमें देखा जा रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। और यहाँ पे भी आप देखें टॉप प्राइस गेनर्स में तो कहीं ना कहीं सीमेंस में जो है एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट की जा रही है गाइस। इस तरीके से डीएलएफ में भी की जा रही है, पॉलीकैब में भी, पीएनबी में भी और डैक्सन में भी। टॉप शॉर्ट कवरिंग अगर आप देखें यहाँ पर स्टॉक का नाम लिखा हुआ है टॉप शॉर्ट बिल्डअप, यानी ऐसे कौन से स्टॉक है जिनमें शॉर्ट क्रिएट किया जा रहा है और ये स्टॉक नीचे जा रहा है, इनका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है गाइस। इसी तरीके से काफ़ी सारी नॉलेज है इसमें जो आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट देखना चाहें फ्यूचर के, तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मली आप स्टॉक का नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, सपोज़ मैं रिलायंस लिखता हूँ, तो अगर आप देखें तो रिलायंस के यहाँ पर डाटा दिख रहा है, फ्यूचर में इसका प्राइस चल रहा है, प्राइस चेंज पॉजिटिव है थोड़ा सा, ओपन इंटरेस्ट भी थोड़ा सा बढ़ा है, लॉट साइज इसका 250 के आसपास है, यानी रिलायंस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें पॉजिटिविटी दिख रही है। अगर आप यहां पर क्लिक करें ओपन इंटरेस्ट लाइन चार्ट, तो आपको नीचे दिखेगा ये जो लाइन आ रही है गाइस, ये वाली, ये जो नीचे लाइन आ रही है कलरफुल, इसके नीचे ये ऑप्शन दे रखे हैं कि लॉन्ग बिल्डअप की, जहाँ पर ग्रीन है इसका मतलब यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। फिलहाल जो करंट का बताएं अगर हम रिलायंस का, तो ये वाला कलर है, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखी जा रही है रिलायंस में, यानी जिन्होंने भी शॉर्ट कर रखा था रिलायंस में, वो कहीं ना कहीं अपनी शॉर्ट को कवर कर रहे हैं, जिससे रिलायंस जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो ये भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है मूविंग एवरेज, अगर आप देखें यहाँ पर नीचे से दूसरे नंबर पर मूविंग एवरेज, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो सपोज़ अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी का सिलेक्ट करें, तो बैंक निफ्टी के बारे में मूविंग एवरेज, आप एक साथ कई सारे मूविंग एवरेज को एक चार्ट पर लगाने पे काफ़ी डिफिकल्टी होती है, तो यहाँ पर डायरेक्ट चार्ट उस काउंटर का नाम डालें। यहाँ जो दिखा रहा है ये करंट यानी अभी जो प्राइस चल रहा है उसका 37,100 के आसपास, तो यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाईस ने क्या लगाया था, इस पर आप रखेंगे कर्सर तो 41,238 के आसपास, अगर आप देखें इस पर दिखा रहे हैं। इसका जो 20 मूविंग एवरेज है वो 50 मूविंग एवरेज से नीचे है, 100 मूविंग एवरेज उससे नीचे है और 200 मूविंग एवरेज लगभग 35,700 के आसपास है, 100 मूविंग एवरेज 37,100 के आसपास है आप यहां पे देखें, और 50 मूविंग एवरेज लगभग 38,260 के आसपास है, यानी हमारा जो ये करंट जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं 20 मूविंग एवरेज के ऊपर और 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो यहां से ये भी आप चेक कर सकते हैं बड़े आराम से। उसके बाद अगर आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं, अगर मेरी पिछली वीडियो देखें तो पेपर ट्रेडिंग करते हैं, तो आप पोर्टफोलियो में जाकर अपनी पेपर पोर्टफोलियो इस पर क्लिक करके सिंपल अपनी पोजीशन को देख सकते हैं। अगर आप देखें तो मैं भी पेपर ट्रेडिंग करके काफ़ी ट्राई करता रहता हूँ सेटअप वगैरह, तो अगर आप देखें तो ये आज की पोजीशन है, अगर आप देखें 10 दिसंबर यहाँ पर डेट लिखी हुई है और ये 2 बजे की ट्रेड है, शायद अभी चल रही है मेरी, हाँ ये ट्रेड अभी चल रही है, मैंने शॉर्टिंग ले रखा है। अगर इसकी डिटेल पूरी क्लिक करेंगे इस पर आप, इसकी पूरी डिटेल दिखेगी कि ये मैंने 2 लॉट शॉर्ट कर रखा है, ये एंट्री प्राइस था मेरा लगभग 37,220 के आसपास, अभी करंट प्राइस चल रहा है 235 यानी 750 के आसपास लॉस हो रहा है। अगर यही मेरा रियल में लॉस होता तो मैं थोड़ा सा इमोशनली वो हो जाता। एक ट्रेड और लिया था मैंने लगभग
सुबह लिया था 12 बजे के आसपास निफ्टी में, इसमें भी मैंने शॉर्ट किया था और इसमें जो प्रॉफिट था लगभग 6000 के आसपास था। तो पेपर ट्रेडिंग है गाइस, रियल मनी नहीं है, आप इसे रियल ना समझें। ये पेपर ट्रेडिंग मैं करता रहता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी को चेक करने के लिए, तो ये भी आप इसमें आराम से चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे इसके यूज़ है गाइस इस वेबसाइट के, आप इसको ज़रूर एक बार चेक करें, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑलराइट गाइस, तो ये था इस वीडियो में। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो ओपन इंटरेस्ट लेके या फिर किसी भी स्टॉक या किसी भी चीज़ के बारे में, शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा गाइस। ओके गाइस, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।